नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश भारत का जन्म कैसे हुआ, या फिर यूं कहे कि हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। तो आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथलासा, और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वैगनर थे, और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रेंगने वाले जीवों का विकास भी हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ था, और फिर उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी जन्म हुआ। दोस्तों, अल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सरकने से सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लॉरेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने तैथिस सागर का नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। दोस्तों, हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था, और आज का अफ्रीका और भारत उस समय एक ही प्लेट पे टिका हुआ था। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई, और भारत के जियोग्राफिकली प्लेट्स अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही, और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, ऐसे में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो भारी प्लेट्स नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट्स ऊपर की ओर उठ जाती है। उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए, और फिर आज की इसी भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका हुआ है, और लगातार भारत के भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रहे हैं, और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने यह भी कहा है कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, चलो माना कि एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का अवलोकन किया, तो ये मालूम हुआ कि विधि अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण भी दिए। दोस्तों, इस प्लेट्स के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा बहुत रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी प्लेट्स के सरकने से कभी कभार भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।